नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सलमान अनवर और आप देख रहे हैं पाकिस्तान पब्लिक टीवी। पहले ये वीडियो देखें और बाद में बात करते हैं। नाज़रीन, ये डिंगा से मुगवाल जाने वाला रोड है जिसके ये इतने बुरे हालात हैं, ये आप देख सकते हैं। आगे भी आपको चेक करवाते हैं। ये आप देख सकते हैं टोटल जो है तबाह हो चुका है जी। आप चेक कर सकते हैं, ये डिंगा से मुगवाल जाने वाली रोड है और इसके ये इतने बुरे हालात हैं, ये आप देख सकते हैं। ये देखें, बहुत बुरी तरह मुतासर है। ओए जी नाज़रीन, ये देखें बहुत ही हालात ख़राब हैं इस सड़क के। ये चेक करें, ये ओवरऑल डैमेज हो चुकी है। यहाँ से ये आप देख सकते हैं और मोबाइल भी। बहुत ही बुरी तरह मुतासर है और तकरीबन जो है सारा रोड खराब हो चुका है और जो ट्रैफिक है, काफ़ी ट्रैफिक है इस रोड के ऊपर और वो तमाम जो ट्रैफिक है वो मुश्किलात का शिकार है। ये आपको मैं चंद क्लिप इसके दिखाए हैं और इससे ज़्यादा भी ख़राब है काफ़ी जगहों पे। ओवरऑल जो है ये ख़राब हो चुकी है और अब ये बनना चाहिए। मेरी मुख्तदर हलकों से रिक्वेस्ट है कि आप इस बात का नोटिस लें। जी नाज़रीन, आपने ये वीडियो देखी, ये डिंगा से मुगवाल जाने वाला रोड है जो कि बुरी तरह से ओवरऑल डैमेज हो चुका है और आपके लिए एक खुशखबरी है और खुशखबरी ये है कि ये मंजूर हो चुका है। कारपेट 22 किलोमीटर बनता है ये रोड, 87 करोड़ रुपया इसकी लागत है और देखते हैं अब कि कब काम शुरू होता है, इस पर अमल भी होता है या नहीं। वैसे अगर इस पर अमल हो जाए, ये रोड कारपेट बन जाए, तो हमारे जितने भी गांव हैं उनके लिए बहुत ही आसानी पैदा हो जाएगी और ये एक मेन रास्ता है और बुनियादी ज़रूरत है। तो नाज़रीन, अगर ये रोड बन जाता है तो हम उनके शुक्रगुजार हैं और उनका शुक्रिया अदा करते हैं। तो जी नाज़रीन, ये खुशखबरी थी और जो कि आपके सामने शेयर करनी थी और उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो मुझे दें आप इजाज़त, ख्याल रखिएगा इस चैनल का भी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।